हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, भारत माता की जय। जैसे कल आप लोगों ने बोला था एसएसबी के लिए कुछ बनाओ, तो आपको पता होगा हमने एसएसबी के लिए कल डे वन बनाया। ठीक है, कल हमने पूरा का पूरा डे वन डिस्कस करा था कि उसमें आपको डे वन में अगर सिलेक्शन लानी है, स्क्रीनिंग होना है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब उसके बेसिस पे क्या हुआ, मेरे पास कल बहुत सारी क्वेरीज आई। बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जब वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। अब मैक्सिमम बच्चों ने उसका आंसर ये बोला है कि सर आई जस्ट वांट टू सर्व द नेशन। अब उन्होंने बोल तो दिया आई वांट टू जस्ट सर्व द नेशन। अब उनसे क्रॉस क्वेश्चन क्या पता क्या पूछा जाएगा कि आपने आज तक देश के लिए क्या करा। और मैंने भी बच्चों से वापस क्वेश्चन यही करा कि आज तक आपने देश के लिए क्या करा, तो बच्चों ने क्या बोला मुझे कि सर आज तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला जिसके लिए हम भारत माता के लिए कुछ करना चाहते थे। देखो आज ऐसा कोई भी पर्सन, साथ जितने भी बच्चे हैं ना, सबने कुछ ना कुछ करा है। अब देखो मैं सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ, किसका, एनडीए वालों। ठीक है, अगर मैं एनडीए वालों का एग्जांपल लेता हूँ तो एनडीए में क्या है हमारे पास, अगर मैं प्लस टू वाले बच्चों का एग्जांपल लेता हूँ तो प्लस टू वाले बच्चों से पूछा जाएगा आपने क्या करा हुआ। देखो सबसे बेसिक चीज, आप लोग सब पढ़ रहे हो, आप सब लोग पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, लिटरेसी रेट बढ़ा रहे हो। लिटरेसी रेट बढ़ेगा उससे बेनिफिट किसका है, इंडिया का। लिटरेसी रेट बढ़ गया, आगे जाके आप लोग सब जॉब्स के लिए। अब हुआ क्या, लिटरेसी रेट तो बढ़ गया, लिटरेसी रेट से हुआ क्या, ग्रोथ किसकी हुई, इंडिया की हुई। तो हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करा। अब देखो लिटरेसी रेट बढ़ गया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आगे जाके हमें जॉब्स चाहिए, तो इसका मतलब आगे जाके हम जॉब्स के लिए लुकआउट करेंगे। तो जब हम आगे जाके जॉब्स के लिए लुकआउट करेंगे, जब हमें जॉब्स मिलेगी, तो सेकेंड चीज क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। तो आप लोगों के अभी प्लस टू में पढ़ने की वजह से ही आप लोग क्या कर रहे हो, इंडिया का लिटरेसी रेट तो बढ़ा ही रहे हो, साथ साथ ही एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा रहे हो। और आपकी वजह से आपकी सोसाइटी में कुछ लोग होंगे, वो भी आपको देख के मोटिवेट हो रहे होंगे, तो वो भी पढ़ना शुरू करेंगे या किसी न किसी को मोटिवेट करेंगे कि आपको इनको, इन बच्चों को देखो ये पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ो। तो आपने क्या करा, प्लस टू में होते होते आपने लिटरेसी रेट और एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है या हमारा जो अपकमिंग भारत है, यंग इंडिया जो है, उसको आपने अपलिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको अब इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आज तक आपने भारत माता के लिए क्या करा है, तो आप ये बोल सकते हो आपने भारत माता के लिए क्या करा है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।